सहारा में फंसा, पैसा वापस दिला दो, ना पत्नी है ना बच्चे, इलाज के बिना दम तोड़ रहे बुजुर्ग ने डीएम से लगाई गुहार। सहारा इंडिया परिवार में जमा पैसा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ताजा मामला हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां पर लखनऊ चुंगी पर एक झोपड़ी में चाय की दुकान चलाने वाले 70 साल के सुदामा ने कुछ साल पहले सहारा इंडिया में 2 FD कराई थी। भुगतान तिथि के कई साल बीत जाने के बावजूद भी उन्हें रुपया नहीं मिल पाया है। सुदामा इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं और हरदोई के मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बताया गया कि सुदामा लखनऊ के किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराना चाह रहे हैं, लेकिन रुपए नहीं होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सुदामा ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उनका पैसा उन्हें दिलाया जाए, जिससे वे अपना अच्छी जगह पर जाकर इलाज करा सकें। सुदामा ने बताया कि साल 2018 में उन्होंने सहारा इंडिया में 2 FD एक 63,774 रुपए और दूसरी 11,910 रुपए की कराई थी, जिसकी मैच्योरिटी 2020 में होनी थी। जब मैच्योरिटी का समय आया तो सहारा इंडिया का समय खराब हो गया, लेकिन पैसे की कमी के कारण इस दौरान सुदामा की पत्नी अलका बीमार हो गई। लेकिन पैसे की कमी के कारण सुदामा अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज नहीं करा पाए और अलका ने कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया। अब सुदामा खुद बीमार हैं और उनको पैसों की आवश्यकता है, जिससे कि वे अपना अच्छी तरह से इलाज करा सकें, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं जब भी वे सहारा इंडिया के दफ्तर गए, उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उसने कह दिया कि जब पैसा आएगा तब मिल जाएगा। सुदामा ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उन्हें उनकी FD में से कुछ पैसा दिलवा दिया जाए, जिससे कि वो अपना इलाज करा सकें। सुदामा की कोई संतान भी नहीं है जो उनका खर्च उठा सके। सहारा में फंसा, पैसा वापस दिला दो, ना पत्नी है ना बच्चे, इलाज के बिना दम तोड़ रहे बुजुर्ग ने डीएम से लगाई गुहार। सहारा इंडिया परिवार में जमा पैसा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ताजा मामला हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां पर लखनऊ चुंगी पर एक झोपड़ी में चाय की दुकान चलाने वाले 70 साल के सुदामा ने कुछ साल पहले सहारा इंडिया में 2 FD कराई थी। भुगतान तिथि के कई साल बीत जाने के बावजूद भी उन्हें रुपया नहीं मिल पाया है। सुदामा इन दिनों गंभीर रूप से बीमार हैं और हरदोई के मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बताया गया कि सुदामा लखनऊ के किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराना चाह रहे हैं, लेकिन रुपए नहीं होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सुदामा ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उनका पैसा उन्हें दिलाया जाए, जिससे वे अपना अच्छी जगह पर जाकर इलाज करा सकें। सुदामा ने बताया कि साल 2000